फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। जीरे को आजमाएं, जुखाम को मिनटों में दूर भगाएं। दोस्तों, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में ज्यादातर लोग सर्दी जुखाम से परेशान रहते हैं। जुखाम होने पर सिर में दर्द होना, आवाज का भारी होना, नाक बहना, हल्का बुखार आना और बदन टूटना आम लक्षण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुखाम में कोई एलोपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जुखाम अधिकतर 3 से 4 दिन में खुद ही सही हो जाता है। इसलिए आज हम आपको जुखाम से लड़ने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं जो जादू की तरह काम करता है। इस नुस्खे का नाम है जीरा। जी हाँ, जीरा सिर्फ खाने में छौंक लगाने का काम ही नहीं करता बल्कि ये हमारी रसोई में मौजूद एक चमत्कारिक औषधि भी है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर ही जुखाम रहता है और वे अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं, उनके लिए ये नुस्खा वरदान साबित हो सकता है। इस छोटे से जीरे में न सिर्फ जुखाम भगाने की क्षमता है बल्कि ये सिर दर्द और शरीर में मौजूद फंगस और बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है। जीरे के सेवन से शरीर के इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। जीरे में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफी दुरुस्त कर हमें एनर्जी प्रदान करता है। जाने जुखाम होने पर कैसे करें जीरे का इस्तेमाल। यदि आपको जुखाम है तो आप कच्चा जीरा चबा सकते हैं, तुरंत आराम मिलेगा। जुखाम होने पर दिन में 3 से 4 बार जीरा दबाएं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इसे अपने बैग में रख लें। ऐसा करने से आपको पहले दिन ही आराम मिलेगा। दोस्तों, साबुत जीरा या जीरे के मिश्रण का इस्तेमाल चाय में डालकर भी किया जा सकता है। यदि आपको जीरे की चाय का स्वाद बहुत अजीब लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाय में जीरे के साथ अदरक और तुलसी भी डालकर सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी में जीरा डालकर भाप लेने से भी जुखाम चुटकी में दूर होता है। भाप लेने के बाद मुंह को चादर से लपेटकर सो जाएं। जीरे और लौंग के मिश्रण को आपस में मिक्स कर लें। एक एक चुटकी दिन में 3 से 4 बार लें। जीरा जुखाम तो सही करता ही है, साथ ही ये वजन घटाने के लिए रामबाण उपाय है। जीरे के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हार्ट अटैक की बीमारी का खतरा भी कम होता है। जीरे को भूनकर उसके मिश्रण को दही के साथ लेने से भी जुखाम सही होता है। वेजिटेबल सूप में जीरे को डालकर भी आप ले सकते हैं। इससे आपका जुखाम जल्दी ठीक होगा। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता तो आप गुनगुने पानी के साथ या शहद के साथ भी जीरा पाउडर का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।